तो हम बोले कि बिजनेस नहीं करने से भी एटलीस्ट अपना घर का यूज के लिए भी शुरुआत आप कर सकता है। मेरा नाम तेरी आजो है। तो आज मेरा वो जोस किचन और ये केयर क्लब का एनजीओ का उससे हम लोग मिलके एक हम लोग फ्री पिकल ट्रेनिंग का हम लोग प्रोग्राम रखा था आज। तो हम लोग हर यहाँ जो आसपास का जो दैमुख मिटकू तिग्दो जितना भी एसएजी था हम लोग सबको हम लोग खबर किया था कि हर एक एसएजी से हम लोग दो दो हम लोग पार्टिसिपेट हम लोग को करा था। तो बहुत ऐसे जैसे आया है दैमुख से तिग्दो से और ये मिटकू का यहाँ से भी हम दो दो जन को सिखाया है। कुछ लोग एसएजी का नहीं था फिर भी उनको बहुत इंटरेस्टेड था कि वो लोग पिकल सीखने के लिए, तो इसलिए हम उन्हें भी इनवाइट किया है आज का ट्रेनिंग में। तो बहुत ही अच्छा से गया है, उन्होंने बहुत अच्छा से कोऑपरेट किया है। आप कब से ये ट्रेनिंग वो कर रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं आप? ट्रेनिंग तो मेरा अभी ये 2 times हो गया। एक बार वहाँ जयराम पुरम में भी हमको वहाँ भी बुलाया था, अरुणाचल युवा सम्मान या कुछ इवेंट था तो उसमें भी हमको वहाँ का यूथ लोगों को सिखाने के लिए हमको 1 day का प्रोग्राम था तो वहाँ भी जाके हम सिखाया है। तो वैसे तो हमको बहुत लोग सिखाओ बोलते रहते हैं, तो कहाँ मैं मतलब एक एक जन को हम लोग नहीं सिखाते। तो यह मैं पहले से प्लानिंग था कि हम लोग एक हाउस वाइफ लोग को हम लोग एक फ्री ट्रेनिंग देगा बोल के। तो हम खुद भी हम 3 times हम गवर्नमेंट से हम ट्रेनिंग ले चुका है। एक हम ये NIT का तरफ से लिया था, उसके बाद ये RCTI डिपार्टमेंट के तरफ से, उसके बाद ये खादी डिपार्टमेंट का तरफ से। तो 3 times हम खुद भी हम पिकल ट्रेनिंग हम ले चुका है। तो बहुत लोग हमको सिखाओ बोलते तो इतना तक हम भी कन्फिडेंट रखते हैं कि थोड़ा बहुत हम जो सिखा है हम दूसरा को भी हम सिखा सके। तो इसलिए हम आज का एकदम हम फ्री ट्रेनिंग रखा था उन लोग को। तो बहुत अच्छा से भी उन लोग को हम आज प्रिजर्वेटिव पैकेजिंग ये सब चीज़ में उन लोग को हम बताए। हम भी अभी 3 years हो गया मेरा पिकल हम ना ये बिजनेस में है मेरा हम पिकल। ये यहाँ से लेके हम बाहर भी हम अरुणाचल को रिप्रेजेंट करने में हम कलकत्ता गया हुआ है, उसके बाद सिलीगुड़ी भी गया है। तो जहाँ भी अरुणाचल का अंदर में कहीं भी एग्जीबिशन होता है जहाँ जहाँ हम जा पाता है वहाँ हम जाके हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज का ये था कि हाउस वाइफ लोग का बहुत सारा कंप्लेंट था कि मतलब हम लोग कहाँ से ट्रेनिंग लेगा ये लेगा। तो ट्रेनिंग लेके ही बिजनेस पर्पज़ में अगर कोई ले जाना चाहते तो ले जा सकता है। और कोई लोग घर बैठते ही बोलते हैं कि हम अचार बिजनेस नहीं करना है, खुद का खाने के लिए भी हम लोग बनाते तो ख़राब हो जाते, तो उसके लिए हमको ट्रेनिंग लेना है। खुद भी इतना सामान वामान खरीदता है तो ऐसे सामान ऐसे पड़ा रहते सड़ जाते तो उसको ही। तो हम बोले कि बिजनेस नहीं करने से भी एटलीस्ट अपना घर का यूज़ के लिए भी शुरुआत आप कर सकता है। घर से ही आप बना के खुद का खाने के लिए, अपना बच्चा लोग हॉस्टल बैठते हैं तब दुकान से खरीद के ले जाते हैं, उससे अच्छा आप खुद आज ट्रेनिंग लेगा तो एटलीस्ट आप बना के अपना बच्चा को तो आप खिला सकता है किसी अपना भाई भैया को दुकान से नहीं खरीद के। तो कोई कोई यहाँ में जो औरत लोग आए कि उन्हें बहुत इंटरेस्ट था, वो लोग बोले कि इसको बिजनेस प्रपोज में उन ले जाना चाहते हैं। तो आगे भी जाके हम मदद करेगा, कहीं भी अगर वो लोग को बनाने में तकलीफ हो रहा है तो हम उसमें भी और को हम मदद करेगा। जैसे आज का प्रोग्राम तो आप लोग फ्री ट्रेनिंग था तो सब कुछ फ्री था, तो आप लोग का क्या सब कुछ आप लोग फ्री विल से किया है ना कहीं से आप लोग को मदद मिला है? हाँ, हमको इतना तो हम लोग को मदद नहीं मिला है तो टाइम भी नहीं था हम लोग भी कहीं जाके किसी को मदद मांगने के लिए, जिससे हम लोग थोड़ा बहुत हम लोग को मदद मिले और अपना पॉकेट से भी हम लोग निकाल के हम लोग किया है आज का ट्रेनिंग। ये जो किचन और ये क्लब दोनों जो कंबाइन करके ऑर्गेनाइजर हम लोग को आज अचार का पिकल का ये ट्रेनिंग दिलाया है। हम लोग का ये होम मेकर औरत जो हाउस वाइफ घर में बैठता है उन लोग का दिन खासकर बहुत कुछ सीखने को मिला है। पिकल बनाने के लिए कितना कितना क्वान्टिटी में कैसे मसाला डालना है, तेल कितना चाहता है उसमें, कैसे कैसे ये में बनाना है फ्रीजर, ये सब बारे में हम लोग को बताया। और कितना दिन रखना है, कैसे रख के खाना है, पैकेजिंग कैसे करता है, ये सब बारे में सिखाया है हम लोग को, ट्रेनिंग किया है आज। और आइटम एक हम लोग आज 4 items बनाया, एक ग्रीन चिली मसाला का साथ में, और एक है ये चिकन का ये पिकल, और एक ये किंग चिली का।
चार आइटम। कैसे लगा ट्रेनिंग अटेंड करके? ट्रेनिंग अटेंड करके तो आज बहुत अच्छा लगा है, लेकिन जो सीखा है उसको भी थैंक यू। हम का जितना भी औरत लोग हैं ये सब में थोड़ा इंटरेस्ट देके नहीं सोचना है, जो तम होता है ये सब चीज़ है क्यों करना है ऐसा नहीं सोचना है। अच्छा है हम का औरत लोग के लिए जो हाउसवाइफ खास कर बेचता है उसके लिए बहुत अच्छा है और सीखना है। और जो बाहर जाके जो काम नहीं कर सकता है और ऐसे घर में बेचते रहने वाले के लिए ये पिकल सिकल ट्रेनिंग बना के मार्केट में हम लोग कम क्वान्टिटी में प्राइस में हम लोग दे के उसको हम लोग सेल करा सकता है। इसके लिए हम लोग का हाउसवाइफ के लिए बहुत बेस्ट है, हमको तो बहुत अच्छा लगा ट्रेनिंग सीख के।